जय श्री कृष्णा। एक सवाल आया है, हाउ टू मैनेज वीकेंड हॉलीडे फेस्टिवल हॉलीडे एज पेरेंट्स, स्पेशली मॉम आर बिजी विद देयर वर्क एंड गेस्ट एंड ऑल। मैं आपको बताऊं, एक्टिविटी बाद में आती है दोस्तों, पहले माइंडसेट की बात आती है। माइंडसेट की बात आती है। मैं आपको बताऊं संडे का कंसेप्ट कहाँ से आया। से पूरे विश्व में इंसान ही संडे सेलिब्रेट करता है, छुट्टी सेलिब्रेट करता है। क्या आपने सुबह सुबह देखा कि यार आपके बगिया में कोई तितली नहीं आई है, कोई चिड़िया नहीं आई है? फिर आप अंदर बोलोगे, अरे भगवान क्या हुआ, अरे आप ठंडे, यू डोंट नो, तो कहां से आएगी चिड़िया? ऐसा हुआ कभी? नेवर। प्लीज नोट करना, ये डॉक्यूमेंटेड है एंड डोंट ट्रस्ट मी। आप चाहे तो सर्वे कर लो, रिसर्च कर लो। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग गांव से सिटी की तरफ घूमने लगे, जाने लगे। यस, तो सिटी के बाहर यानी सिटी के आउटस्कर्ट्स में या इंडस्ट्रियल एरिया के आउटस्कर्ट्स में छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी जहां पे लोग रहते थे, और वो सभी दिन काम करते थे, ऑल 7 days ऑफ द वीक काम करते थे, पैसे जमाते थे, साल में 2 बार घर जाते थे और पैसा पूरा वहां जाता था। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि कुछ करते हैं, है ना। तो उसने संडे की छुट्टी दी और दो चार एक्टिविटी शुरू कर दी, खुद का कैंटीन शुरू कर दिया कि घर के बाहर का भी कुछ खाते हो ना, ऐसे वाला कुछ, फेस्टिवल वाली कुछ, एंजॉयमेंट वाली, जैसे बोलते हैं ना मेला लगता है, वैसे वाली कुछ एक्टिविटी शुरू कर दी और कुछ शॉपिंग की चीजें बता दी। तो जो सैलरी वो अपने लोगों को दे रहा था उसमें से 30% उसी को वापस आने लग गया। एंड ये पूरा झमेला जीडीपी की ग्रोथ का है, व्हाट्स द वर्ड, हमें जीडीपी बड़ी करनी है, ये देश का ऑब्जेक्टिव है, आपका और मेरा नहीं है। तो संडे का कंसेप्ट यहां से आया कि लोग, ध्यान से सुनेगा, डिसएंगेज हो जाए अपने काम से और आगे बढ़ जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, संडे हो छुट्टियां हो, माइंडसेट सही बना के रखते हैं दोस्तों, माइंडसेट सही बना के रखते, है ना। माइंडसेट क्या होना चाहिए, बच्चों को आदत डाल दो, अलर्ट रहे, व्हाट्स द वर्ड, अलर्ट रहे कि अभी मुझे क्या करना है। और अगर अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ ना दोस्तों, ये मैं मेरे कोचिंग क्लाइंट्स को कई बार बताता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, यार जो भी है ना आपको क्लियर होना चाहिए। 1 घंटा मजा करनी है तो क्या मजा करनी है लिख लो, स्टडी करनी है कब करनी है लिख लो, दोस्तों के साथ गप्पे मारने कब। अरे मैं आपको बोलूं, बच्चे बोलते बोर हो गया, थक गया, सोना है, और सोते भी नहीं ठीक से, पता चला रेस्ट करने अंदर चले गए और 1.5 घंटा तो स्क्रीन ही स्क्रॉल कर रहे। मैं उनको बोलता हूँ दोनों चीजें अलग करते, सोने एक वक्त सोने को, स्क्रीन के लिए अलग से स्क्रोलिंग टाइम रखेंगे, क्या दिक्कत है। आदत डालते है ना, इसे कहते हैं डीप वर्क, व्हाट्स द वर्ड, डीप वर्क। मैंने पहले भी बोला भाषण में कि बच्चे अगर 2 घंटा डीप वर्क करेंगे ना, मैं आपको बताऊं दुनिया के कोई एग्जाम नहीं जो आज का बच्चा क्रैक नहीं कर सकता। 2 घंटा डीप वर्क करना आना चाहिए, 2 घंटा से। मैंने इतने सारे बच्चों को गाइड भी किया है, मान लो स्पेशल यूपीएससी वगैरह आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले, और जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया उनसे भी मैंने बात की। 585 घंटा लगते हैं आईएएस की एग्जाम को क्रैक करने में, सही तरीके से जो देगा वो क्रैक करेगा, सिस्टम्स है। पर ये माइंडसेट बनाते हैं बच्चों का, व्हाट्स द वर्ड, माइंडसेट बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बच्चे का माइंडसेट बना के नहीं होगा, हमें भी वो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अभी मुझे 8:45 बजे कुछ काम आया था, मीटिंग शुरू की और उस काम में एंगेज हो गया, और वो काम अधूरा छोड़ के मैं यहाँ पे आया, जबकि वो ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट में वो काम पूरा हो जाता। बट मैंने उसे कहा, यानी फाइनल थे, मैंने उसे कहा कि भाई 10:30 बजे बात करेंगे, रात को 10:30 बजे मुझे अभी एक सेशन है। तो जैसे मैं आ रहा था, मेरे बेटे ने बोला, पापा अभी, यानी वो भी सुन रही थी कि फाइनल डन 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 ही करना था, 2-3 टिक मारने थे बाकी थे, रुकी क्यों? मैं बोला 9 बजे सेशन शुरू करना है, और 9 माने 9, 9 माने 9 एक नहीं। अब अगर मैं ये करता हूं तो मेरा बच्चा करेगा। हम हमारे खाली टाइम में क्या करते हैं, ये विश्राम का टाइम है विश्राम करेंगे, स्टडी का टाइम है स्टडी करेंगे, इसका टाइम है ये करेंगे। ये आदत हमारी लग गई तो उनकी लगेगी। से प्लीज नोट करना दोस्तों, हमारे पास लिमिटेड समय है एंड वी नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग दिस टाइम। नहीं तो संडे है ना सिर्फ कंजम्पशन में जा रहा है आजकल, क्षमा याचना दोस्तों, कंजम्पशन में। वी आर कंज्यूमिंग सीरियल्स, वी आर कंज्यूमिंग सीरीज, वी आर कंज्यूमिंग एड्स, वी आर कंज्यूमिंग सम और दी अदर काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल एक्टिविटीज, यस और यस। खाना भी कंज्यूम कर रहे हैं बाहर घूम घूम के, तो कंज्यूम कंजम्पशन में जा रही है छुट्टियां।
तो कम से कम 20-25% तो बनती है ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, यस और यस। इवन मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब से घर में पूजा होना बंद हो गई ना, बच्चों का संयम कम हो गया, बच्चे इम्पेशेंट बन गए। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी ना 20-25 मिनट हिलने नहीं देती थी हमको, हंटर पड़ते थे। मैं बोलता हूँ पूजा तुम्हारी और हमको क्यों बिठा रखा, नहीं बोले पूरी 5-7 आरती होने तो कोई हिलेगा नहीं, ताली बजाती रहनी चाहिए। आज मुझे समझ में आता है कि कितने फायदे हो गए, कि हम बैठना खड़ा होना या एक एक्टिविटी करना सीख गए ना उसमें, यस और यस। तो ये ऐसा कुछ करते हैं, प्लीज नोट करना दोस्तों। देखो बच्चे तो जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल को ठीक करते हैं। आगे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।